हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिजवाना सिंधी। स्वागत है आपका क्लासिक तड़का में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन 65 मेरी स्टाइल में। ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनती है और बहुत ही सिंपल रेसिपी है और झटपट बन जाने वाली ये रेसिपी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये हमने 1 किलो चिकन ले ली है, जिसको मैंने 3 से 4 बार अच्छे से धोकर साफ कर लिया है और उसको मैंने कोरा करने के लिए रख दिया था छलनी में। देखिए, चिकन को मैंने एक तपेली में निकाल लिया है और सबसे पहले मैं इसमें स्वाद के मुताबिक नमक डालूंगी। उसके बाद ये मैंने चिकन 65 मसाला लिया है, वो मैं पूरा पैकेट इसमें डाल दूंगी। ये एक पैकेट में हम 500 ग्राम चिकन बना सकते हैं, इस हिसाब से मैंने 2 पैकेट यूज़ किए हैं, लेकिन एक पैकेट मैं इसमें डालूंगी और दूसरा पैकेट हम भूनने में इस्तेमाल करेंगे, जो मैं आगे आपको बताऊंगी। और ये है फूड कलर, रेड तंदूरी कलर जो होता है वो मैंने लिया है, उसको मैं इसमें डाल दूंगी। आपको जिस तरह का पसंद हो उसके हिसाब से कम ज़्यादा आप इसे कीजिए और अच्छे से डालकर मिला लीजिए। इसमें हमें ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ चिकन 65 मसाला पैकेट और स्वाद के मुताबिक नमक और रेड फूड कलर, सिर्फ बस ये 3 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। उसके बाद मुझे थोड़ा कम लगा, इसके लिए मैं फिर से थोड़ा ऐड करूंगी और फिर से अच्छे से मिला लूंगी। देखिए, मैंने हाथों से अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको आधा घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दूंगी। आधा घंटा हो चुका है। अब उसमें सबसे पहले हम 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देंगे और कॉर्नफ्लोर डालकर उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे आप जितना हो सके इतना हाथों से ही मिक्स करिए। हाथों से मिक्स करने से मसाला अच्छे से सब में चढ़ जाता है। अब ये हो चुका है। अब एक साइड पर मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। देखिए, तेल गरम हो चुका है। स्टार्टिंग में आप गैस की फ्लेम को फुल रखिए, बाद में आप मीडियम स्लो कर दीजिए। अब एक एक करके मैं चिकन की बोटी को इस तरह से इसमें डाल दूंगी। जितनी भी आपके कढ़ाई में स्पेस हो उसके हिसाब से आप बोटी छुट्टी छुट्टी डालिए और उसको एक साइड से 2 से 3 मिनट तक तलने के लिए रख दीजिए। ज़्यादा साथ में आप ना डालें, वरना वो आपस में चिपक जाएगी। देखिए, इसमें कॉर्नफ्लोर होता है तो थोड़ी वो नीचे चौंट जाती है। आप ध्यान से स्टार्टिंग में ना पलटाएं, उतावल ना करें। जब 2 से 3 मिनट हो जाए उसके बाद ही आप उसे पलटें। देखिए, 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे पलट देंगे। धीरे से आप एक एक करके इसे पलटें। देखिए, ये हो चुकी है। अब हम दूसरी साइड पलट के भी फिर से हम उसे 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे। जब आप देखो कि 2 से 3 मिनट हो चुकी है, अब चम्मच की मदद से उसे हिलाकर देखिए, जो आसानी से अगर वो निकल जाए तो समझिए वो दूसरी तरफ से भी फ्राई हो चुकी है। अब हम एक एक करके सभी बोटी को हिला लेंगे और उसके बाद हम प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए, अच्छे से तेल नितार लें। ये चिकन 65 की बोटी रेडी हो चुकी है। आप इसे ऐसे भी खाएंगे तो भी बहुत ही टेस्टी लगती है, लेकिन हम इसे फिर से हम भूनेंगे। आप देखते रहिए। हमने सब चिकन फ्राई करके निकाल ली है। अब जो हमने तेल यूज़ किया था उसी तेल में हम दूसरे मसाले भूनेंगे। ये चिकन 65 का जो मसाला है, सबसे पहले हमने वो तेल में डाला है, उसमें हमें पानी ऐड नहीं करना है और मसाला जल ना जाए उसका ध्यान रखें। और उसके बाद सबसे पहले हम टोमेटो केचप डालेंगे और ये मैंने 200 ग्राम जितना दही लिया है उसे भी हम ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। सिर्फ हमें टोमेटो केचप और मीठा दही का यूज़ करना है और उसे अच्छे से चम्मच को चलाते रहेंगे ताकि उसमें दही के लम्स ना पड़े और मसालों को अच्छे से भूनने देंगे। हमें मसालों को तब तक भूनना है जब तक कि उसका तेल ऊपर ना आए, वहाँ तक आप इसे भूनते रहिए। और दही के अंदर जो थोड़ा सा पानी डालकर हमने उसे डाला है और उसे भी हम अच्छे से मिक्स करते रहेंगे और गैस की फ्लेम को स्लो रखेंगे। देखिए, तेल ऊपर आ चुका है, इसका मतलब मसाले अच्छे से भून गए हैं। ये हमने 50 ग्राम जितनी मगज़ तरी ली थी उसको ग्राइंड कर लिया था और उसे भी हमने इसमें मिक्स कर लिया है। आप चाहो तो मगज़ तरी भी डाल सकते हो, वरना 50 ग्राम उसके बदले काजू भी ऐड कर सकते हो। और वो डालने के बाद उसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमने रेड फूड कलर लिया है, उसे भी हमने ज़रूरत के हिसाब से इसमें डाल दिया है। आप चाहो तो डालें, वरना आप इसे स्किप कर दें। और ये डालने के बाद उसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। और देखिए, ये हमने जो चिकन फ्राई करके निकाली थी उसे हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से सब चिकन को मसालों के साथ मिक्स करेंगे। इस टाइम पे हमें मिक्स करना ज़रूरी है, तो आप अच्छे से चम्मच चलाते हुए मिक्स कीजिए।
देखिए मसाले सब बोटी में अच्छे से लग गए हैं। अब हम इसे साइड पे कर देंगे। अब हम तड़के की तैयारी करेंगे। दूसरी मैंने कढ़ाई ले ली है और उसमें भी हम चिकन तला हुआ जो तेल हमारा बचा है उसी का यूज़ करेंगे। मैंने ज़रूरत के हिसाब से इसमें तेल ऐड किया है। इसमें थोड़ा आप ज़्यादा तेल लें। और तेल अच्छा से गर्म हो जाने के बाद इसमें हम सबसे पहले राई डालेंगे। हमने एक चम्मच बड़ा साइज़ का भर के राई डाली है और उसके बाद करी लीव डालेंगे। करी लीव आप फ्रेश डालिए। और उसके बाद हमने थोड़ी 4 से 5 सूखी लाल मिर्चें ली हैं और 5 से 6 हरी मिर्चें ली हैं जिसको मैंने बीच में से चीरा कर लिया है। देखिए, और सभी मसालों को अच्छे से भूनते रहेंगे। हमें मिर्चियों को वहाँ तक के भूनना है जब तक कि इसका थोड़ा कलर चेंज ना हो जाए। सूखी लाल मिर्चें हैं, थोड़ी जब काली दिखने लगे और उसकी स्मेल अच्छे से आती हो जाए, जैसे राई के तड़के की और करी लीव की, जब देखिए कि आपका मसाला भून चुका है उसके बाद उसमें ऐड करिए। देखिए मसाला हमारा हो चुका है और ये इसमें हम तड़का डाल देंगे जो हमने रेडी किया है। और तड़का डालने के बाद सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए अब ये गर्मा गर्म चिकन 65 खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो गर्मा गर्म चिकन 65 खाइए। ऊपर से आप कोथमीर डाल सकते हैं गार्निशिंग के लिए। तो खाइए, मज़े कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और आने वाली अगली रेसिपी जानने के लिए मेरी चैनल के साथ बने रहिए। अगर अभी तक आपने मेरी चैनल क्लासिक तड़का को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि क्लासिक तड़का को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दुआओं में याद कीजिए। अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो ऐसे और बेल नोटिफिकेशन ऑन करो ऐसे और फिर लाइक करो ऐसे।